नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश प्लस की शुरुआत करें उससे पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। जमातियों की बदसलूकी पर सीएम योगी ने एनएसए में कार्रवाई के दिए निर्देश। क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में जमातियों पर पुलिस का एक्शन। नियमों का उल्लंघन करने पर 12 जमातियों पर FIR दर्ज। 1 अप्रैल को कसाईवाड़ा से पकड़े गए थे 12 जमाती। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जमातियों पर बड़ा बयान। कहा, देशद्रोहियों जैसी हरकत काबू पाने के लिए गोली चलाने में हर्ज नहीं। वाराणसी में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। तबलीगी जमात में शामिल 2 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक जमात में शामिल 23 लोग पहुंचे वाराणसी। शामली में भी कोरोना के 3 नए केस आए सामने। दिल्ली निजामुद्दीन से लौटे जमातियों को कोरोना की पुष्टि। 2 बांग्लादेशी और 1 असम निवासी को कोरोना। बस्ती में जमातियों ने किया तांडव। अस्पताल में भर्ती जमातियों ने अस्पताल कर्मचारियों से मांगी बिरयानी। वार्ड के बाहर जबरन आकर घूमते दिखे कोरोना संदिग्ध। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस का एक्शन। बाहर से लौटे लोगों का मेडिकल छिपाने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के संकेत। जेल में बंद गायत्री प्रजापति ने चली नई चाल। कोरोना होने की आशंका जताते हुए की जमानत पर रिहा करने की मांग। अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। एटा में दिखी पुलिस की अनोखी तस्वीर। सुनसान सड़कों पर भजन गाते दिखे पुलिसकर्मी। और गोंडा में दिखी वर्चस्व की लड़ाई। 2 पक्षों के बीच चली गोलियां। 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी हत्यारों को किया गिरफ्तार। रासुका के तहत कार्रवाई।